हाय, मैं हूँ सैफ अली खान. हाय, मैं हूँ जैकलीन फर्नांडिस. हाय, मैं हूँ जॉन अब्राहम. हाय, मैं हूँ दीपिका पादुकोण. हाय, ऋषान कपूर. हाय, मैं हूँ अमीषा पटेल. टू वॉच एक्सक्लूसिव वीडियोस ऑफ ब्रेक, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन. क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन अबव दिस वीडियो. अबव द वीडियो. अबव दिस वीडियो. सो हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हो इस वक्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाला चैनल. तो व्यूअर्स, हाजिर हूँ मैं नहीं पाकिस्तानी मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अपडेट के साथ. तो व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा. तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात करना चाहूँगा काटक शाह मूवी की, जो कि इसी हफ्ते रिलीज़ की गई है, यानी कि 21 जून की बात कर रहा हूँ मैं. तो व्यूअर्स, इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखकर लगता ये है कि पब्लिक बॉक्स सिनेमा में आने से पहले ही बहुत खौफजदा है, क्योंकि ये एक हॉरर मूवी है, तो उन्होंने सिनेमा का रुख ही नहीं किया है. तो फिर इसी तरह से इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही फ्लॉप रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों के अंदर टोटल कलेक्शन 60 लाख रुपए इकट्ठा कर पाई है पूरे पाकिस्तान से. जबकि फिर अगर बात करी जाए इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट लगभग 75 लाख का है, जिसको देखते हुए ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर 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 फ्लॉप हो चुकी है. फिर उसके बाद बात कर लेते हैं छलावा मूवी की, जो कि ईद पर रिलीज़ की गई थी. तो इसकी स्टार कास्ट में महवेश हयात और अजवर रहमान शामिल हैं. जबकि व्यूअर्स, अगर बात कर लीजिए इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट लगभग 4 करोड़ का था. व्यूअर्स, अगर बात कर लीजिए इस मूवी के कलेक्शन की, तो डे 23 का रिलीज से लेकर डे 23 तक का टोटल कलेक्शन पाकिस्तान के अंदर इस मूवी ने 27 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिसको देखते हुए ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो चुकी है. व्यूअर्स, बात कर लेते हैं इसी के साथ रिलीज की जाने वाली मूवी रॉन्ग नंबर 2 की. तो नज़र डालें अगर इस मूवी की कास्ट और बजट पर, तो इस मूवी की कास्ट में समी खान और नीलम मुनीर शामिल हैं. जबकि व्यूअर्स, अगर बात कर लीजिए इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट लगभग 3 करोड़ का था. व्यूअर्स, अगर बात कर लीजिए इस मूवी के कलेक्शन की, तो कलेक्शन में इस मूवी ने रिलीज से लेकर डे 23 तक अब तक 28 करोड़ इकट्ठे कर चुकी है, जिसको देखते हुए मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो चुकी है. व्यूअर्स, के बाद नज़र डालने अगर आने वाली मूवी, यानी कि अपकमिंग मूवी बाजी की, जो कि 28 जून को रिलीज़ की जाएगी. इसकी स्टार कास्ट में मीरा, महवेश हयात, आमना इलियास और उस्मान खालिद बिन भट्ट शामिल हैं. व्यूअर्स, अगर बात कर ली जाए इस मूवी के बजट की, तो 3.5 का इस मूवी का बजट है. अगर नज़र डाल लें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन पर, तो मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ कि ये मूवी फर्स्ट 3 डेज के अंदर, यानी कि अपने पहले 3 दिनों के अंदर लगभग 5 से लेकर 7 करोड़ के दरमियान का कलेक्शन कर सकती है. व्यूअर्स, अगर बात कर ली जाए इसकी कुछ पब्लिसिटी स्टंट की, तो आज इन दिनों बहुत कॉन्ट्रोवर्सी इस मूवी के रिलेटेड चल रही है. बस नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो. कहानी खत्म. देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब.